आईवीडी सीजन 3 के लास्ट वीकेंड में हम लोगों ने देखा था कि समर्पण और सुष्मिता ये दोनों परफॉर्म नहीं कर पाए थे चोट लगने की वजह से। जब पर एपिसोड के माध्यम से हम लोगों को ही पता चला है कि समर्पण को तो 5-6 दिन रेस्ट करने के लिए बुलाया गया और वो अगले वीकेंड भी परफॉर्म करने वाले है, लेकिन सुष्मिता के बारे में अभी कोई कन्फर्मेशन नहीं मिला है। उनको तो 5-6 दिन के रेस्ट करने के लिए बुला गया है, ज्यादातर उनको बेड पर ही रहने के लिए बुला गया है। 5-6 दिन के बाद सुष्मिता को फिर से चेकअप करा जाएगा, उसके बाद ही डिसीजन होगा कि वो अगर परफॉर्म कर पाएगा या फिर नहीं। सब लोग देखो, लास्ट वीकेंड परफॉर्म ना करने की वजह से समर्पण और सुष्मिता इन दोनों का ही स्कोर 0 पर है। वीकेंड समर्पण परफॉर्म करने वाला है और इसके कारण उनको मार्क्स भी मिलने वाला है, लेकिन सुष्मिता के बारे में कोई कन्फर्मेशन भी नहीं है। वो अगले वीकेंड परफॉर्म कर पाएगा या फिर नहीं कर पाएगा तो वो एलिमिनेट होने वाले है और यही घोषित कर दिया जाएगा। फिलहाल मैं प्रे करूँगी सुष्मिता बहुत जल्द ठीक हो जाए और अगले वीकेंड में वो पॉजिटिवली परफॉर्म भी कर पाए। इसके बारे में क्या ख्याल है अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करना। अभी के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।